हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? 3/4 ऑफ अ नंबर इज मोर देन 1/4 ऑफ अ नंबर बाय 2, फाइंड द नंबर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्या लिखा है? 3/4 ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर होगा, जैसे कि हम कोई भी वेरिएबल चूज कर लें, जैसे एक्स, कोई भी नंबर हम लेट करेंगे, क्या कोई नंबर होगा एक्स, उसका क्या 3/4 इज मोर देन 1/4 ऑफ अ नंबर बाय 2, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो हम देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लिखा, हम कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लें, जैसे लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, कोई भी नंबर एक्स होगा। अब इस नंबर का क्या 3/4, तो हम लिख सकते हैं ना 3/4 ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा, बोलो 3/4x हो जाएगा, 3/4 ऑफ द नंबर। ठीक है, एंड अब क्या लिखा है 1/4 ऑफ द नंबर। अब 1/4 क्या होगा, चलो मैं एक साथ पहले सारे लिख लेता हूँ ना, उसके बाद फिर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा। ये कुछ हमें दे रखा है। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्या करना है, 3/4 ऑफ द नंबर इज, यानी कि 3/4 ऑफ एक्स, कोई नंबर एक्स, क्या है मोर देन 1/4 ऑफ नंबर बाई 2। तो ये क्या है कि 3/4 ऑफ द नंबर क्या है, किसी भी नंबर का 1/4, यानी कि 1/4x। ठीक है, और उसमें जब हम 2 ऐड कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 3/4 ऑफ दैट नंबर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर एक्स हमने चूज किया, अगर हम उस नंबर का 1/4 एंड 2 उसमें ऐड कर दें तो किसके इक्वल हो जाएगा, 3/4 ऑफ दैट नंबर। वही तो लिखा है ना, 3/4 ऑफ अ नंबर इज, यानी 3/4 ऑफ द नंबर इज, 3/4 ऑफ नंबर है किसके, 1/4 एंड मोर देन 2, लाइक 1/4 एंड प्लस 2 के इक्वल है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से हमें अपनी इक्वेशन मिल गई ना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x/4। अब इसको हम ट्रांसफर करके लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस एक्स बाई 4 इज इक्वल टू 2। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, देखो इनका एलसीएम तो 4 ही आएगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 3x-x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब 3x-x करेंगे क्या हो जाएगा, 2x, 2x/4 इज इक्वल टू 2। अब इसको इधर देखो सॉल्व करते हैं, देखो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना डिवाइड में, तो ये आएगा 2x इक्वल टू 4 इंटू 2 क्या होगा, 8 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8। अब x इक्वल टू क्या आएगा, 8/2, 2 x के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल की दूसरी साइड गया, डिवाइड में हो गया ना। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 4 जाए क्या आ जाएगा, बोलो मुझे 4, तो नंबर हमें मिल गया ना, वो नंबर क्या है, बोलो 4। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 4। ओके स्टूडेंट्स।